एजानोई। एजानोई प्राचीन यूनानी भाषा में लैटिन भाषा में आजानी पश्चिमी अनातोलिया में एक फ्रीजियन शहर था। ये पेनकलास नदी के दोनों किनारों पर कुटाहिया के निकट आधुनिक गांव कैवद हिसार के स्थल पर स्थित था। समुद्र तल से 1000 मीटर 3300 फीट ऊपर। रोमन काल में ये शहर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। इस अवधि के बचे हुए अवशेषों में ज्यूस का एक अच्छी तरह से संरक्षित मंदिर, एक संयुक्त थिएटर स्टेडियम परिसर और एक गोल इमारत शामिल है, जो संभवतः डायोक्लेटियन के मूल्य आदेश की एक प्रति के साथ एक मैकेलम है। प्राचीन काल के अंत में शहर का पतन हो गया। 2012 में इस साइट को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इतिहास। इस क्षेत्र में बसावट कांस्य युग से ज्ञात है। शहर का नाम अरकास के तीन बेटों में से एक अजान और फ्रीजियंस के अप्सरा इराटो के महान पूर्वजों से लिया गया हो सकता है। हेलेनिस्टिक काल के दौरान शहर ने 133 बीसी में रोम को सौंपे जाने से पहले पेर्गम साम्राज्य और बिथिनिया साम्राज्य के बीच हाथ बदल लिया था। इसने अपने सिक्के ढालना जारी रखा। इसकी स्मारकीय इमारतें प्रारंभिक साम्राज्य से लेकर 3वीं शताब्दी तक की हैं। अजानी फ्रीगिया पकातियाना के रोमन प्रांत का हिस्सा था। ये प्रारंभिक चरण में एक ईसाई विश्वचार्य बन गया और इसके बिशप पिस्टिकस या पिस्ट निकिया की पहली परिषद में एक भागीदार थे, जो 325 में पहली विश्वव्यापी परिषद थी। बिशप पेलागियस एक धर्मसभा में थे, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क जॉन द्वितीय ने 518 में जल्दबाजी में आयोजित किया था और इसकी निंदा की गई थी। एंटोक के सेवेरस वह 553 में कॉन्स्टेंटिनोपल की दूसरी परिषद में भी थे। बिशप ग्रेगरी 692 जॉन के ट्रुलन काउंसिल में 787 में निकिया की दूसरी परिषद में थे और थियोफेंस कॉन्स्टेंटिनोपल 869 की परिषद और कॉन्स्टेंटिनोपल 879 दोनों में थे। बिशोप्रिक पहले लाओडिसिया का एक जनजातीय था, लेकिन जब फ्रीगिया पकातियाना को दो प्रांतों में विभाजित किया गया तो इसने खुद को फ्रीगिया पकातियाना दो के नए प्रांत की राजधानी हिरापोलिस का एक जनजातीय पाया। अब कोई आवासीय विश्वचार्य नहीं रहा। अजानी को आज कैथोलिक चर्च द्वारा नामात्र के दृश्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद अजानी का पतन हो गया। बाद में सेल्जुक काल में मंदिर की पहाड़ी को कैवदार तातारों द्वारा एक गढ़ तुर्की हिसार में बदल दिया गया था, जिसके बाद कैवदार हिसार की हालिया बस्ती का नाम रखा गया है। अजानी अजानोई के खंडहरों को यूरोपीय यात्रियों ने 1824 में देखा था। 1830 और 1840 के दशक में सर्वेक्षण कार्य के बाद 1926 से जर्मन पुरातत्व संस्थान द्वारा व्यवस्थित उत्खनन किया गया, जो 1970 में फिर से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। जनवरी 2021 में पामुकले विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलिफ ओजर के नेतृत्व में पुरातत्वविदों ने घोषणा की कि उन्होंने एक जलधारा के पास दबे एक जग में लगभग 2100 साल पहले के 651 रोमन सिक्कों वाले एक भंडार की खोज की है। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले 2019 में एक जग का खुलासा किया था। सिक्कों के 439 टुकड़े चांदी पर ढाले गए प्राचीन रोमन सिक्के थे और 212 पेर्गम के सिस्टोफोरी चांदी के सिक्के थे। सीजर ब्रूट्स, मार्क एंटनी और युवा ऑगस्टस को ज्यादातर अच्छी तरह से संरक्षित सिक्कों पर उकेरा गया है। अगस्त 2021 में डमलुपिनार विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाइजिया की एक मूर्ति की खोज की घोषणा की। मानव आकार की मूर्ति को अपनी भुजाओं में एक सांप के साथ चित्रित किया गया है।